बोलिए। जेल में दुर्गा को उड़ाने के लिए ऑपोजिशन वाले प्लान कर रहे हैं। वो अभी भी हमारे लिए कोई काम का है क्या? अरे मामा, अब पूरा काम उसी के हाथ में है मामा। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वो पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी, तो फिर वो हमारे किस काम का रहेगा? इस बार जैसा आप सोच रहे हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है मामा, 70% उन्हीं के फेवर में है। ये बात तुझे कैसे पता? इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट्स में वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मामा। अगर वोट्स काउंटिंग में भी वो हमसे आगे निकले तो हमें कुछ और एमएलए की जरूरत पड़ेगी मामा। अब उनको धमका के डरा के हमारी पार्टी में लाने के लिए हमारे लिए दुर्गा ही लास्ट ऑप्शन है मामा। एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी हैव टुडे। और हमारे धंधे में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और हमें अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो किसी भी हाल में हमें दुर्गा चाहिए मामा। हेलो, मैं दुर्गा बोल रहा हूँ। बोलो दुर्गा। यहाँ जेल में मैं एक आदमी से मिला, किसी छोटे मोटे मर्डर केस में अंदर आया है, लेकिन उसकी हिम्मत अलग ही लेवल की है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो हमारे काम आएगा? बेशक वो हमारे काम आएगा भाई। ठीक है, इस बार इलेक्शन रिजल्ट्स अगर हमारे फेवर में नहीं आए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। ठीक है भाई। तब मैं मामा से बात करके तुम्हारे साथ उसको भी बाहर लाने का प्लान करूंगा। देखो सूर्या, ये सोसाइटी नहीं बदलेगी, ना ही जनता। ये 100 साल के इतिहास में तुम्हें कभी लगा है कि वोट डालने का तरीका बदला है? हमें क्या लेना है सूर्या, मेरी बात सुन, ये सब अभी से छोड़ दे। देखो शिवा, जैसा तू बोल रहा है ये समाज नहीं बदला होगा, पब्लिक ने वोट देने का तरीका भी नहीं बदला होगा, लेकिन पब्लिक को पालने वाले नेता लोगों को हमें बदलना है यार। 40 दिन के इंतजार के बाद हुआ पर्दाफाश। जीते हुए उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं तो हारे हुए उम्मीदवार उसकी वजह ढूंढने में जुट गए हैं। जनता के वोट ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं। दोनों मेजर पार्टियों को इलेक्शन में लगभग एक समान वोट मिले हैं। राज्य के पूरे 120 असेंबली सीटों में से सरकारी पार्टी को 48 सीट मिले हैं, वहीं ऑपोजिशन पार्टी को 52 सीट मिले हैं, बाकी 20 सीटें इंडिपेंडेंट एमएलएस को मिले हैं, और वो ही तय करेंगे कि राज्य में सरकार किस पार्टी की बनेगी। अब उनमें से कितने लोग कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, राज्य की सत्ता कौन सी पार्टी को जाएगी, ये सब जानने के लिए शक्ति परीक्षण होने तक सबको इंतजार करना। ये क्या है सर, इस बार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे सर? इस बार भी गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। मैडम, इस बार सरकारी पार्टी से आपकी पार्टी लीड में है, इस बार में आपका क्या कहना है? जनता को अब हमारे ऊपर यकीन आ गया है, इसलिए इस बार हमारी पार्टी लीड में है। थैंक यू। मैडम, सीएम राममोहन राव जी का फोन आया है। बोलिए एक्स सीएम राममोहन राव जी, कैसे लगे आपको इस बार के इलेक्शन के नतीजे? इस बार 4 सीट आपको ज्यादा मिली है, ऐसा सोचकर ये मत समझिए कि जीत आपकी हुई है। मिस श्यामला भारती जी, आपको सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी को और 10 MLAs की जरूरत है। अगर 10 MLAs को खरीद लिया तो भी 10 दिन के अंदर शक्ति परीक्षण के लिए उनका वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है कि आपके पार्टी को मेरी पार्टी से भले 4 सीटें ज्यादा आई है या मेरी पार्टी को 4 सीटें कम आई है, तो भी आखिर में असेंबली में आपकी जगह हमेशा की तरह विपक्ष में ही रहेगी।
ये बात मत भूलिएगा मिस श्यामला भारती जी। ठीक है राम मोहन राव जी, इस बार संसद में हम विपक्ष में रहेंगे या आप विपक्ष में रहेंगे देखते हैं। गुड लक। ये जानते हुए कि हमारी पार्टी लीड में है, ये राम मोहन राव कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हमारी पार्टी जीत नहीं सकती। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी पीठ पीछे साजिश हो रही है। हम एक लीडिंग पार्टी है, हमें हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन 20 इंडिपेंडेंस को हमारी पार्टी में लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। हमें उन 20 लोगों को जल्द खरीदना होगा मैडम, और उसका केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अनंतगिरी में 20 साल से ना हारने वाले कल्याण प्रसाद को हमें सबसे पहले खरीदना होगा मैडम। उसी को क्यों? वही किंग मेकर है मैडम, जितने भी 20 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो सब उसी के हाथ में रहते हैं। तो फिर जल्द से जल्द बुलवाइए उसे। कल्याण प्रसाद को फोन करके कहो कि तुरंत मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझसे मिले। ओके? ठीक है सर। लगता है सब लोग आ गए हैं, तेरी वजह से ही लेट है। हाँ रुको रुको। नमस्कार मैडम। मैडम डायरेक्टली पॉइंट पर बात करेंगे, इससे दोनों का टाइम बचेगा। मैं भी सीधे पॉइंट पर आकर बात करूंगी। आपके 20 MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना होगा, इसके लिए आपके एक एक MLA की कीमत बताइए। एक एक MLA ने अपने मतदान क्षेत्र में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक एक MLA को 100 करोड़ दे दीजिए। क्या मतलब? एक एक MLA को 100 करोड़? मतलब इसके हिसाब से 20 MLAs को 2000 करोड़? हाँ मैडम। इतना क्यों? मार्केट में आजकल रेट बहुत बढ़ गए मैडम। एक जमाने में खाना पकाने का तेल 100 रुपए लीटर मिलता था और अब 230 रुपए हो गया है। फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना। वैसे जनता के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए जैसे चीजों के दाम बढ़ गए हैं, वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं मैडम। एक टाइम पे 1000 रुपए में मिलने वाले वोट अब 5000 में मिलते हैं। यहाँ कोई भी कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डालता मैडम, वो वोट डालता है कैश देख कर ही। मतलब आपके MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना है तो आपको 2000 करोड़ देने होंगे, सही कहा? 2000 करोड़ नहीं मैडम। तो फिर? 2500 करोड़। मतलब 2500 करोड़ रुपए? यस। वो 500 करोड़ किसके लिए? वो मेरा कमीशन है मैडम। आपका कमीशन 500 करोड़ है? जी मैडम। मैं आपको कोई प्याज टमाटर थोड़ी ना बेच रहा हूँ, इस राज्य की सत्ता 5 साल के लिए दे रहा हूँ आपको। इसके बदले में एक छोटी सी 500 करोड़ की रकम कमीशन लेने में कोई गलती नहीं है मैडम। सत्ताधारी पार्टी का फोन, अगर मेरा प्रपोजल आपको जमता है तो फोन काट दूंगा, और नहीं तो इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। सोच लीजिए। सर कल्याण प्रसाद जी मेरा कॉल कट कर रहे सर। फिर से ट्राई करो। ओके सर। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ठीक है, उसे वॉइस मैसेज भेज दो। ओके श्योर सर। आपने 2500 करोड़ मांगे जो मैं दे रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शक्ति परीक्षण वाले दिन हमारे 20 MLA आपके पीछे दुम हिलाते हुए चलेंगे। आप जहाँ साइन करवाएंगे वहाँ करेंगे। अब आप CM पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कीजिए मैडम। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है। वो क्या है मैडम? आपने मुझसे हाथ मिला लिया है, ये खबर राम मोहन राव को जरूर पता चल जाएगी। हमें हमारे MLAs को सेफ रखना होगा, इसलिए उन सभी MLAs को राम मोहन राव से सेफ रखने के लिए मैंने बेंगलुरु में एक स्टार होटल पूरा बुक कर लिया है। शक्ति परीक्षण होने तक वो सारे उधर ही रहेंगे।